काफी ज्यादा सेक्सी लग रहा हो ना। सूट्स का इफेक्ट होता है ये। कहा जाता है व्हाट लॉजरे इज फॉर मेन। लॉजरे जानते हो ना क्या होती है? लिंगरी, मतलब ये सब। व्हाट लॉजरे इज फॉर मेन, सूट्स आर फॉर विमेन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया भर का एक मुहावरा होता है। हाँ जी, फैशन की दुनिया में ऐसे सेक्सुअल मुहावरे होते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज मैं आपको सूट के बारे में इतना कुछ सिखाऊंगा, बजट फ्रेंडली टिप्स भी दूंगा, ताकि दिस इज द ओनली वीडियो यू शुड वॉच व्हेन यू वांट टू लर्न अबाउट सूट्स। बहुत ज्यादा डिटेल्स, बहुत ज्यादा टिप्स और ट्रिक्स। ये है सूट कामयाबिया। फैशन भैया रिटर्न्स में आपका स्वागत है। पॉइंट नंबर वन, डू नॉट बाय अ सूट ऑफ ऑफ द रैक। इसका मतलब है जब शॉपिंग के लिए जा रहे हो ना, ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि मैं सूट खरीदूंगा। हमेशा आपको सूट टेलर करना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि यार टेलरिंग बहुत महंगी होती है, दैट इज नॉट ट्रू दोस्तों। अगर आपने गारमेंट एक जगह से खरीदी और टेलरिंग किसी और जगह से करवाई, तो आपको ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस सूट मिल सकता है, अगर आपने खुद ज्यादा एफर्ट डाला तो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको सूट खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि सूट हमेशा आपके बॉडी टाइप के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग होने चाहिए। द चार्म ऑफ द सूट इज इन द फिट। अगर आपकी फिट खराब हो गई ना, सूट भी खराब हो जाएगा। एंड नो मैटर कि आपको कितना लगे कि हाँ यार ये रैक वाला सूट, यानी कि शॉपिंग सेंटर वाला सूट सही है मेरे लिए, इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि सूट की टेलरिंग इतनी ज्यादा टेक्निकल होती है। ये जो आर्म के होल देख रहे हो ना, जहां से मेरे हाथ घुस रहे हैं सूट के अंदर, ये भी मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अगर आपको मस्त सूट चाहिए, अगर आपको लॉन्जरी स्टाइल का सूट चाहिए, तो प्लीज टेलर कीजिए। दूसरा क्विक फायर पॉइंट, पहले नेवी ब्लू सूट खरीदो, फिर चारकोल ग्रे सूट खरीदो, फिर ब्लैक सूट खरीदो, फिर लाइट ग्रे सूट खरीदो, फिर टैन सूट खरीदो, यानी कि लाइट ब्राउन, और उसके बाद आपको कलर्ड सूट अगर खरीदने तो आपको खरीदने चाहिए। पर आपके वार्डरोब में हमेशा एक नेवी ब्लू, एक ब्लैक और एक चारकोल ग्रे सूट होना ही चाहिए इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लाइफ में अगर पैसे कम है अभी के लिए, पहले सिर्फ नेवी ब्लू सूट खरीद लो। आप हर फंक्शन में, हर बिजनेस इवेंट में बहुत सेक्सी लग सकते हो ओनली इन अ नेवी ब्लू सूट। अगर मैं सूट कलर्स और सूट चॉइसेस के बारे में बात करूं, तो द कॉन्वर्सेशन विल गो ऑन फॉर एवर। बट ये होते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सूट ड्रेसिंग। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, शर्ट बेसिक्स। व्हाइट शर्ट हमेशा आपके कवर्ड में होनी चाहिए। एक ऐसी भी व्हाइट शर्ट होनी चाहिए जो आप सिर्फ सूट्स के साथ पहनते हो। इसके अलावा आपको चाहिए लाइट ब्लू, लाइट पिंक और मे बी लाइट ग्रे, और फिर ब्लैक। ये ध्यान में रखिए, ब्लैक शर्ट्स ओनली गो विथ ग्रे टोन सूट्स, यानी कि ब्लैक सूट, लाइट ग्रे, चारकोल ग्रे। अगर आपने ब्लैक शर्ट पहनी नेवी ब्लू के साथ, आप एकदम भाई की तरह दिखोगे। वो पुल ऑफ कर सकते हैं पर आप पुल ऑफ नहीं कर पाओगे। पर शर्ट्स की बात की जाए तो ये गलती कभी मत करना। नेवर ओनली वेयर अ शर्ट विथ अ जैकेट। ये आप ऑफिस में पहन सकते हो, पर अगर आप पार्टी के लिए जा रहे हो, शादी के लिए जा रहे हो, किसी को इंप्रेस करने जा रहे हो, डेट के लिए जा रहे हो, आपको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉकेट स्क्वेयर्स। एक रुमाल जैसी चीज होती है, आप रुमाल वहां नहीं घुसा सकते। पॉकेट स्क्वेयर्स खरीदने चाहिए अपने टेलर से। अक्सर शॉपिंग सेंटर में 500 रुपीज मिनिमम लगेगा पॉकेट स्क्वेयर्स के लिए, बट इट विल बी वर्थ इट। अगर आपके पास एक प्लेन व्हाइट पॉकेट स्क्वेयर भी है, दैट इज इनफ। पर पॉकेट स्क्वेयर के साथ अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, कलर्ड पॉकेट स्क्वेयर्स, टेक्सचर्ड पॉकेट स्क्वेयर्स, ब्लैक टेक्सचर्ड पॉकेट स्क्वेयर्स, वाह, यू कैन चेंज द होल लुक ऑफ अ सूट। पता है, मैंने खुद की लाइफ में ये नोटिस किया कि जब मैं एक सूट के साथ एक पॉकेट स्क्वेयर पहनता हूँ और उन्हीं लोगों से मिलने जाता हूँ जिन्होंने मुझे उस सूट में पहले देखा है, वो कहते हैं कि ये नया सूट है क्या। ये होता है पॉकेट स्क्वेयर्स का कमाल। ये है एक बजट फ्रेंडली टिप। एक ही नेवी ब्लू सूट है, नो प्रॉब्लम। एक दिन व्हाइट पॉकेट स्क्वायर पहन लो, उस पे कलर्ड पॉकेट स्क्वायर पहन लो। स्टाइलिश मैन टिप्स ओनली बेबी। पॉकेट स्क्वायर्स आपकी कोई भी लुक को एलिवेट कर सकते हैं, पर ये गलती मत करना। नेवर मिक्स पॉकेट स्क्वायर्स विद अ टाई अनलेस इट्स अ क्लासिक नेवी मैन लुक। यहां मैंने मेंटेन करके रखी एक नेवी मैन लुक। काली टाई पहनी है, व्हाइट पॉकेट स्क्वायर पहना है, दैट इज वेयर अ पॉकेट स्क्वायर एंड टाई गोस टुगेदर। अक्सर ना लोग ऐसे सेट्स खरीदते हैं जहां टाई और पॉकेट स्क्वायर आपको साथ में मिलते हैं और उसे तुरंत मैच कर देते हैं कि हाँ यार, पिंक टाई, पिंक पॉकेट स्क्वायर, शायद यही सेक्सीनेस का राज हो सकता है। पर एक्चुअली फैशन मिस्टेक होती है, विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 5।
अगर आपको अपनी लुक को और भी एलिवेट करना है देन गो फॉर टाइज विद अ सूट. ठीक है एक ब्लैक टेक्सचर्ड टाई होनी चाहिए या प्लेन ब्लैक टाई, शाइनी ब्लैक टाई नहीं, एक बेसिक ब्लैक टाई कोई भी सूट के साथ मैच हो जाती है, कोई भी शर्ट के साथ भी मैच हो जाती है. और ये देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लासिक लुक्स ऑफ ब्लैक टाई पेयर्ड विद सूट्स, जैसे कि ये विद अ ग्रे सूट, विद अ ब्लू सूट, विद अ कलर्ड सूट. ब्लैक टाइज गो विद एनीथिंग. एक और चीज टाइज के साथ पास में आइए जनाब, ये देखिए ये क्या है, इसे कहते हैं टाई बार. टाई बार पहन लिया ना, ये असली सेक्सीनेस का राज होता है एक सूट में. आपको लगेगा कि इसमें क्या है, ये तो एक लोखंड का टुकड़ा है, बट दैट्स नॉट ट्रू. जब लड़कियां टाई बार नोटिस करती है ना, इट टेल्स देम कि हाँ यार ये बंदा डिटेल्स पर फोकस करता है. टाई बार बहुत जरूरी होता है अगर आप टाई पहन रहे हो तो. बट नेवर एवर पेयर अ पॉकेट स्क्वायर विद अ टाई. ओके, अगला पॉइंट आपको लगेगा यार फैशन पॉइंट तो नहीं, आप यहाँ कैसे बता रहे हो, क्योंकि सूट में योर स्किन एंड योर हेयर क्वालिटी मैटर. ये है हमारे कुछ पहले वाले फोटोशूट्स के फोटोज और ये है हमारे रीसेंट फोटोज ऑफ सूट फोटोशूट्स. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारे बाल, क्योंकि मुझे पता चला कि अगर आपको सूट की लुक कंप्लीट करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेयर प्रोडक्ट. यहाँ कैसे पहुंच गया, क्योंकि स्कैल्प डैमेज अगर आपको हो रही है ना तो आपके भाई को पेन होता है, और इसलिए आपका भाई देगा आपको एक रिकमेंडेशन जिसकी वजह से भाई के खुद के स्कैल्प की डैमेज कम हो चुकी है, भाई के खुद की स्कैल्प है हेल्दी. वाओ स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर केयर रेंज. दोस्तों हेयर प्रोडक्ट खतरनाक नहीं है, पर अ लैक ऑफ अ हेयर केयर रूटीन खतरनाक होता है. अगर आपने अक्सर सूट्स पहने, हफ्ते में एक भी बार सूट पहना ना, प्लीज़ हेयर प्रोडक्ट लगाइए, पर अपने बालों का ख्याल रखना, अपने स्कैल्प का ख्याल रखना भी जानिए. आपको ये वाले प्रोडक्ट से क्या फ़ायदे मिलेंगे मैं बताता हूँ, पर पहले ये भी बताऊँगा कि जब भी मैंने किसी भी ग्रूमिंग प्रोडक्ट को रेकमेंड किया है, इट हैज़ ऑलवेज बिन वाओ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स सिंस 7 years. अभी ये वाले प्रोडक्ट की खासियत क्या है, ये 100% नेचुरल है, सल्फेट्स पैराबेंस मिनरल ऑयल्स से कम्प्लीटली फ्री है, और अनियन यानी कि प्याज और ब्लैक सीड के पावर की वजह से आपका हेयर फॉल एकदम घट सकता है अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया अपने स्कैल्प पर मसाज करके. तो हेयर फॉल का स्ट्रेस हो जाता है जीरो, क्योंकि अनियन ऑयल बनता है कोल्ड प्रेस की वजह से, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू रिटेन होता है अनियन ऑयल का. इस तेल की वजह से #1 tension kam. अगर मैं कभी भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूँ ना अपने बालों पर, हेयर वैक्स यूज किया, उसको धोने से पहले मैं लगाता हूँ ये वाला तेल, अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल बाय वाओ स्किन साइंस. हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है, आपकी फ्रिज कम हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स आपके स्कैल्प को चाहिए ना वो न्यूट्रिएंट्स इस वाले तेल में है. भैया की रिकमेंडेशन है, और क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ आपके लिए लेके आया हूँ एक डिस्काउंट कोड जो है रणवीर 20 डिस्काउंट कोड यूज कीजिए और डिस्काउंट पाइए वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स पर. वैसे कैसा लग रहा हूँ ये वाले सूट की लुक में, काफ़ी ज़्यादा हॉट ना, पर ये हॉट ग्रे सूट वाले रणवीर रवाद से अब अलविदा, बैक टू द सेक्सी नेवी ब्लू सूट. सातवां पॉइंट है बहुत मजबूत. पता है शादियों में जब हम जाते हैं ना कभी कभी और हमें कोई अंकल दिख जाते हैं सूट पहने हुए, और हमें लगता है कि यार ये इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं ये वाले सूट में, क्योंकि उन्होंने कलर मैचिंग अच्छे से नहीं सीखी है. कलर मैचिंग के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं. टॉकिंग अबाउट जनरल फैशन, इस पर एक पूरा वीडियो बना दिया है, पर सूट कलर मैचिंग की बात की जाए, डू नॉट एक्सपेरिमेंट. सुना, पिच हैवी कर, डू नॉट एक्सपेरिमेंट. जैसे कि नेवी ब्लू सूट के साथ एक व्हाइट शर्ट, आहाहा, एक लाइट ब्लू शर्ट, आहाहा, एक पिंक शर्ट, आहाहा फॉर वेडिंग्स, राइट? क्योंकि पिंक और नेवी ब्लू की कॉम्बिनेशन इट माइट बी टू मच फॉर एन ऑफिस एनवायरमेंट. तो अगर आपको जानना है कि यार मेरा ये वाला सूट है, ये वाले कलर के शर्ट है, पहने चाहिए या नहीं, सिंपल समाधान आपको गूगल करना चाहिए, लाइट ग्रे सूट पेयर्ड विद लाइट ग्रे शर्ट, डज इट गो? नो, यू लुक लाइक रोबोकॉप. पिंक शर्ट विद रेड सूट, काफी सही कॉम्बिनेशन है, एकदम जॉली रैंचर जैसे लग रहे हो, रणवीर सिंह जैसे नहीं, रणवीर सिंह जैसे बहुत कम लोग हैं, बेटर कॉल सॉल वाले अंकल जैसे बहुत कम लोग हैं हु कैन पुल ऑफ मल्टीपल कलर्स इन अ सूट. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ड्रेसिंग अप के समय, आपको ये लग रहा होगा कि यार सूट पहन के कलर्ड शर्ट पहन के मैं बहुत सेक्सी दिख रहा हूँ, पर इन ट्रूथ आप शायद एक नंबर लग रहे होंगे.
इसलिए व्हाट आई सजेस्ट यू इज हमेशा गूगल पर रिसर्च कीजिए, पिंटरेस्ट पर रिसर्च कीजिए, ये टाइप कीजिए डैश कलर सूट विथ डैश कलर शर्ट स्पेस मेन्स लुक्स, गूगल पर इसके लिए सर्च कीजिए, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। आइडियली कॉपी वन ऑफ द लुक्स, स्पेशली अगर आपको सूट ड्रेसिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सेफ पिंटरेस्ट वाली लुक को कॉपी करके चिल कीजिए। सूट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं, यू वांट टू कीप इट सिंपल बेबी। आठवां पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ सूट पेयर्स विद व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर। मेरे एक दोस्त है रियल मैन रियल स्टाइल, अमेरिका के एक बहुत बढ़िया स्टाइल ब्लॉगर है, मेन स्टाइल ब्लॉगर, मेन्स फैशन ब्लॉगर है। ये है उनकी वेबसाइट से एक बहुत बढ़िया चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया दैट्स इट, फॉलो दिस चार्ट। फुटवेयर के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू सूट्स। आपके पास एक ब्लैक फॉर्मल जूता होना चाहिए, एक डार्क ब्राउन फॉर्मल जूता होना चाहिए, और मोस्टली कवर्ड। पर अगर हमने टैन जूतों की बात करी या ग्रे जूतों की बात करी, रूल्स चेंज अलॉट। ब्लू जूतों की बात करी, लाल जूतों की बात करी, यू डोंट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट टू मच विथ सूट्स। स्टिक टू ब्लैक एंड स्टिक टू डार्क ब्राउन, एंड एट द सेम टाइम इंश्योर कि आपकी पेयरिंग कलर्स के अकॉर्डिंग है। और किसके अकॉर्डिंग? टाइम ऑफ द डे। अगर रात को आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आई सजेस्ट नेवी ब्लू के साथ ब्लैक ज्यादा अच्छा दिखेगा रात को। अगर आप दिन में कहीं जा रहे हो तो नेवी ब्लू सूट के साथ डार्क ब्राउन जूते। नाइन्थ पॉइंट, किफायती पॉइंट है। अगर आपको अपने सूट के मल्टीपल फायदे चाहिए, मल्टीपल लुक्स बनाने हैं, व्हाट आई सजेस्ट इज, मान लो ये एक नेवी ब्लू जैकेट है, पहले तो आप नेवी ब्लू सूट ही बनाओगे, उसके साथ साथ या तो खुद के पास रखिए बहुत वेल फिटिंग जीन्स जो इस कलर से मैच करे, या वेल फिटिंग चीनोस जो इस कलर से मैच करे, या एक शेड ज्यादा डार्क हो। ओके, नाउ विद दिस, अगर आपने एक वाइट टी शर्ट पेयर कर ली, लाइट ब्लू टी शर्ट, वाह, दीज टू लुक्स आर ग्रेट। अगर मान लो एक ग्रे सूट है आपके पास, चारकोल ग्रे नहीं, लाइट ग्रे, व्हाइट टी शर्ट के साथ पेयर कर लो, कैजुअल लुक हो गई। ब्लैक टी शर्ट के साथ पेयर कर लो, यू लुक लाइक अ बैड एस, जैसे कि यहाँ मैं बैड एस की तरह दिख रहा हूँ। तो बेसिकली व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, दे पेयर वेल विथ जैकेट्स। पर अगर आप टी शर्ट वाली लुक मेंटेन कर रहे हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट दैट नीचे आपको उसी सूट के शेड की या उससे एक शेड ज्यादा डीप पैंट पहननी चाहिए जो कैजुअल पैंट्स हो, यानी कि जीन्स या चीनोस। अभी अगर मान लो आप एक ब्लैक जैकेट पहन रहे हो, ब्लैक जीन्स ढूंढना बहुत आसान होता है, डार्क ब्लू जीन्स ढूंढना बहुत आसान होता है, ग्रे सूट को आप कैसे पेयर करोगे जीन्स के साथ? इन दैट केस, नेक्स्ट पॉइंट, टेंथ पॉइंट, बहुत दुख भरा पॉइंट है, मोस्ट इंडियन टेलर्स गेट पैंट टेलरिंग रॉन्ग। ये जो सेक्शन होती है यहां, ये ऑब्सिनिटी नहीं है, इसे कहते हैं फोर्क, और आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपके फोर्क की लेंथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आपकी फोर्क की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो गई, यू लुक बैड। अगर बहुत ज्यादा छोटी हो गई आपके हाइट के अकॉर्डिंग, यू विल लुक बैड। फोर्क, जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स हियर, ओके, माय सजेशन इज दिस, जब आप खुद के सूट की टेलरिंग के लिए जा रहे हो ना, अपने घर से कोई ऐसी पैंट चुन लो जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग, ये मेरे बिल्ड के अकॉर्डिंग, ये पैंट एकदम सही है, इसकी टेलरिंग एकदम सही है। वो पैंट लेके टेलर के पास जाओ, उन्हें दिखाओ कि मुझे ऐसी लुक चाहिए, ओके? सूट जो आप बना रहे होते हो ना, आपको दो तीन बार टेलर को विजिट करना पड़ता है, पहली बार सिलेक्शन के लिए, दूसरी बार ट्रायल के लिए, और तीसरी बार पिकअप के लिए। ट्रायल के लिए जब जा रहे हो ना, ये पैंट के फैक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करना, अपने जैकेट को, अपनी वेल टेलर्ड पैंट को मस्त व्हाइट स्नीकर्स के साथ पेयर कीजिए, और देखिए कि क्या लुक बनेगी आपकी। आप एकदम पेज 3 2004 के सैफ अली खान जैसे दिखोगे। वाओ, ओके, अगला पॉइंट, ऑन द सरफेस ये किफायती पॉइंट जैसा नहीं लगेगा आपको, पर किफायती है। जब भी आप टेलरिंग के लिए जा रहे हो, हमेशा 3-पीस सूट बनाने जाइए, क्योंकि 3-पीस में आपको मिलेगा एक वेस्टकोट, जिसके साथ साथ आप एक नई लुक बना सकते हो। और ट्रस्ट मी, अ मैन ड्रेस्ड वेल इन अ वेस्टकोट इज अ सेक्सुअल मैन। अगर आपने वेस्टकोट को एकदम मस्त टाई के साथ पेयर किया, या एकदम क्लीन व्हाइट शर्ट के साथ भी पेयर किया, और आपका वेस्टकोट एकदम सही है, आप बहुत हॉट लग सकते हो। ये सेक्सीनेस कोशेंट आपका मैक्स कर देगा। थोड़ा सा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा आपको, पर वो वेस्ट कोट के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो आइडियली ऑलवेज स्टिच 3-पीस सूट्स, और
आई बात थ्री पीस सूट पहनने की, ये देखो ये होती है थ्री पीस सूट वाली लुक, जहां मैंने जैकेट भी पहना है उसके अंदर वेस्ट कोट पहना है और टाई नहीं पहनी है, क्योंकि इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं मानता हूँ कि टाई पहननी चाहिए। अगर आपने टाई पहन ली वेस्ट कोट के साथ, यार काफ़ी इंटेंस लुक होती है, ठंडे मौसम में चल जाएगी, बट आई फील इट्स अ लॉट फॉर इंडिया। इंडिया में अक्सर लोग थ्री पीसेस टाइज के बिना पहनते हैं। अप टू यू, इफ यू फील यू कैन पुल इट ऑफ, और अगर आपकी अंदर वाली शर्ट भी पूरे लुक को मैच कर रही है तो, बट मोस्टली आई फील थ्री पीस सूट को पॉकेट स्क्वायर और खुली शर्ट के साथ पहनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वॉच की बात की जाए, अवॉइड डिजिटल वॉचेज इन सूट्स। आइडियली आपकी वॉच थोड़ी सी मिनिमल होनी चाहिए, जहाँ डायल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। कुछ कुछ लोग सूट के साथ ब्रेसलेट्स पहन लेंगे, रिंग्स पहन लेंगे, दैट्स अप टू यू। जस्ट एंश्योर सूट की लुक बहुत फॉर्मल होती है, सो ऑलवेज मैच योर मेटल्स। जिस कलर का है आपका टाई बार, उसी कलर का मेटल आपकी घड़ी में होना चाहिए। 13 पॉइंट मैंने गाय रिची से सीखा है, जो एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है, क्रिस्टोफर नोलन मालूम है ना, टेनेट, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर वाले, उन्होंने भी ये कहा, अ मैन शुड ऑलवेज एंजॉय वेयरिंग अ सूट। क्योंकि अगर आपको मजा नहीं आ रहा है ना ये आर्ट को शोकेस करके, तो लोगों को भी मजा नहीं आएगा आपको देख के। अगर आप सूट में अनकंफर्टेबल हो तो यार सूट मत पहनो, कैजुअल लुक मेंटेन करके रखो। सूट आर्ट जैसी चीज होती है। मान लो कोई मूवी में कोई लुक दिख गई आपको, ऋतिक रोशन की कोई लुक, और आपको लगा कि वाओ यार बहुत सही लुक है, बहुत सही कलर कॉम्बिनेशन है। जैसे मेरे दिमाग में ना शाहरुख खान वेयरिंग अ ब्लैक सूट एंड ब्लैक शर्ट, वेरी मेमोरेबल। ब्लैक सूट एंड रेड शर्ट, वेरी मेमोरेबल। सैफ अली खान की काफ़ी सारे सूट लुक्स याद है मुझे, ऋतिक रोशन के काफ़ी सारे सूट लुक्स याद है मुझे, शाहिद कपूर इंस्टा पर बहुत बढ़िया सूट पहनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कस्टम लुक है ये, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और मैं नेवी ब्लू के साथ ग्रे को भी बहुत अच्छे से पेयर कर सकता हूँ। आई फील इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुक। यह है मेरी फेवरेट लुक्स, जैसे कि मैंने पहले कहा पिंक और मरून, वो है मेरी सिग्नेचर लुक। काफ़ी लंबा वीडियो था, फाइनल पॉइंट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सूट। अगर आपने सूट खरीदा है तो 5 या 10 बार अगर आपने पहन लिया सूट को, उसके बाद ड्राई क्लीन के लिए भेजो। जब आप ड्राई क्लीन के लिए कोई भी टेलर्ड आइटम को भेजते हो ना, उसकी लुक थोड़ी सी खराब हो जाती है, से वॉट यू मे, ठीक है? तो 10 बार पहनने के बाद फिर ही आपको ड्राई क्लीन के लिए भेजना चाहिए, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो। सूट्स का ख्याल रखिए, अगर आप कोई भी शहर के सूट की दुकान में जाओगे, 50,000-60,000 के सूट्स भी बिकते हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं होता, टेलरिंग वैसी ही होती है, मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, पर अगर आपने अपने कपड़ों का ख्याल रखा तो फिर आपका भी सूट लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी आपके कपड़ों से पहले बात करती है। ये था फैशन भैया रिटर्न्स का एक और भयानक जोरदार एपिसोड। लॉट्स ऑफ लव, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्नॉट मत कीजिए।